चैनल खुशी एजुकेटर। सो यस, आई एम विद द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। ये है माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटमेंट 2020। सो यस गाइस, आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, पोस्ट का नाम डिस्कस करेंगे। सो यस, पोस्ट का नाम जो है वो हमारा है कंसल्टेंट एंड सपोर्ट इंजीनियर। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है। लोकेशन मैं बता रही हूँ, बेंगलोर, कर्नाटका एंड इंडिया है। आपको बहुत अच्छी लोकेशन प्रेफरेंस मिल रही है। एंड यस, ये जो सेक्टर है ये है प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब मैं बता देती हूँ आपको जो इसमें लैंग्वेज आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए अच्छी सी, ठीक है। एंड यस, लिखना आना चाहिए हिंदी, तो ओके हिंदी भी है इसमें लैंग्वेज, ठीक है। लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए आपको इंग्लिश। जो प्रोफेशन है आपका, ये प्रोफेशन जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, पीपल को, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपका जो रोल है इसमें वो ये है, आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। एंड आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आपका है फुल टाइम, आपको फुल टाइम यहाँ पे वर्क करना है। अब मैं बता देती हूँ आपको कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए। सो यस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको कस्टमर के साथ बातचीत करनी आनी चाहिए। एंड यस, आपको अपनी शाइनेस कम करनी है। एबिलिटी टू वर्क वेल विद द टीम, आपको टीम के साथ काम करना आना चाहिए ताकि जो है आपका काम वो अच्छे से हो सके। एबिलिटी टू वर्क इन अ टफ सिचुएशन, आपको टफ सिचुएशन में भी बोल्ड बन के रहना है इस प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में ही बहुत अच्छी कंपनी है। ओके, तो ये चाहते हैं कि जो इनके यहाँ पे जो भी है पीपल या जो भी है सर्विस प्रोवाइडर वो अच्छे हो। एंड यस, दे आर मेंटली स्टेबल। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जॉब में, तो मैं बता देती हूँ। आपके पास सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है रिसॉल्व सर्विस इशू, आपको जो भी सर्विसेज इश्यूज होते हैं आप वो इजिली हैंडल कर सके। एंड यस, रिसॉल्व कर सके। प्रोवाइड रिलेवेंट फैक्ट्स, आपको रिलेवेंट फैक्ट्स प्रोवाइड करने अपने कस्टमर को। ओके, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बोल दिया आपने, अब कस्टमर को कुछ भी डाउट है आपसे, आपके माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड या मतलब कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड डाउट्स है, सो यस, आपको एक फैक्ट उनके सामने प्रेजेंट करना है, कोई मिथ प्रेजेंट नहीं करना। ओके, हेल्प कलीग्स, आपको अपने कलीग्स को हेल्प करने, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े से ट्रेन हो चुके हो, थोड़ा सा 6-7 महीने आप रह चुके हो वहां पे एंड ट्रेन हो गए हो। सो यस गाइस, जो न्यू कलीग्स आएंगे उनको भी आपको हेल्प करनी है। एंड यस, जो ओल्ड कलीग्स है उनसे हेल्प लेनी है। हेल्प लेनी है मतलब कि उनसे कुछ न्यू चीजें सीखनी है ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। सो यस गाइस, क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, एंड यस, आपकी हायर एजुकेशन कोई से भी फील्ड से आप तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में क्या होता है गाइस, आप अप्लाई करके देखिए। ओके, अब हम इसमें बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, पर हम कुछ ही बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी है इसमें लिस्ट। तो सबसे पहला जो होता है इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर, तो आपका डेली हेल्थ केयर पे आपका ध्यान दिया जाएगा। ओके, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपकी जो सेविंग्स है इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी वाले खुद आपको मतलब पेमेंट करेंगे, आप अपने हिसाब से करते रहना। गिविंग प्रोग्राम्स, आपको बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। क्यों? क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि इनके यहाँ पे जो भी सर्विस मैन है या जो भी मतलब एक डायरेक्ट जो भी वर्कर है उसको जो है प्रोग्राम दिया जाए। एंड यस, उसे ट्रेंड अच्छे से किया जाए। ट्रेंड अच्छे से अगर वो होगा तब जाके ही तो माइक्रोसॉफ्ट में अच्छे से वर्क कर पाएगा वो। ओके, एजुकेशन सोर्स, आपको बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे एजुकेशन को डेवलप करने के। सो यस गाइस, अगर आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे इस फील्ड में बहुत आराम से जा सकते हैं। डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलेगा, जो जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है उन सब पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। ओके, यस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यस, आपको सर्विसेज पे भी डिस्काउंट मिलेगा इन फ्यूचर। अपॉर्चुनिटी फॉर कनेक्टिंग विद द वाइड रेंज ऑफ द पीपल्स, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं इस फील्ड में। ओके, बहुत सारे लोगों के साथ आप अच्छे से बात कर सकते हैं। एंड यस, आप अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके बारे में जो हमारा है अब एक्सपीरियंस के बारे में। सो यस गाइस, इसमें एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए मैं बता देती हूँ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्किल्स और एक्सेल MySQL आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटर स्किल्स होती है, ये सब आपको स्किल्स आनी चाहिए। 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका IT सेक्टर में, या तो NET नेट फ्रेमवर्क में होना चाहिए या शेयर पॉइंट में होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अच्छे से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जैसे हो गई C++, DAX, SQL एंड Python, ये आपको आना चाहिए, ओके। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए एजुकेशन का वो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, MES इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है या तो प्रोग्रामिंग में या तो किसी लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, ओके, 1 साल या मोर देन 1 ईयर का भी होना चाहिए कहीं पे भी कोई से भी सेक्टर में, ओके। हैविंग माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट्स भी है तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप कनेक्ट इनके साथ हो सकते हैं बहुत इजीली। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ का कैसा है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, इनकी मेन वेबसाइट पे जाना है एंड यस आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको सबसे नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा या सबसे ऊपर टॉप पे दिखेगा, तो आपके ऊपर है कि आप अप्लाई कर दे, दोनों में सेम इंटरफेस खुलेगा, ओके। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल आउट करने हैं, सो यस गाइस डिटेल फिल आउट करके सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपके पास ईमेल आया, थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। फिर आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू के लिए ये लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। यस गाइस, इंटरव्यू के लिए ये लोग दो तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पहले तो कॉल करेंगे या तो मेल करेंगे, ये इनके ऊपर है, ओके। या तो ये मेल करके आपको इन्फॉर्म करते हैं कि यस आपका जो इंटरव्यू है वो इस तारीख को होगा, या तो ये अपना आपको कॉन्टेक्ट करेंगे सीधा डायरेक्टली। सो यस आपको प्रिपेयर रहना है इंटरव्यू के लिए। फिर आपको क्या करेंगे ये लोग, अगर आप सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू में, यस गाइस आपको कैसे पता चलेगा कि आप सिलेक्ट हुए हो इंटरव्यू में कि नहीं। सो यस गाइस आपको विद इन 7 डेज आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इंटरव्यू दिया था वो सही दिया था कि नहीं दिया था, ओके। फिर उसके बाद आपको स्टे कनेक्ट रहना है विद द वेबसाइट। यस गाइस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें न्यूली अपडेट होती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई, न्यूली अपडेट ही होती रहती है हर रोज। सो यस गाइस आपको यहाँ पे स्टे कनेक्टेड रहना है इनकी वेबसाइट के साथ, कभी भी कोई सी भी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड यस इनसे बात कर सकते हैं। सो यस गाइस, एज सच हमारा काम होगा, आपको कॉलिंग में बता दिया जाएगा। आपका इंटरव्यू जब क्लियर हो जाएगा तो आपको कॉलिंग में सारी डिटेल्स बता दी जाएगी आपकी जॉब की, कि आपकी टीम में ये मेंबर्स हैं एंड यस आपको इनके साथ कोलैबोरेट करना, वर्क करना एंड क्या क्या सिस्टम होगा। आपको एक तरीके से अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही आपको वर्क दिया जाएगा। सो यस गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है फॉर्म फिलअप करने में सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे सो यस आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।